तो प्रेस साहब शादी करना चाहते हैं मुझसे। जानती थी मैं एक ना एक दिन वे बात तुमसे जरूर करेंगे। कल रात घर में कोई गुस्सा आया था अम्मा। अल्लाह खैर, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, मैंने शोर मचाया तो भाग गया, लेकिन ये दोबारा भी हो सकता है। सही परेशान थी ना मैं तुम्हारे लिए, अब बताओ कैसे छोड़ दूँ तुम्हें वहां अकेले। अम्मा, तो प्रेस साहब शादी करना चाहते हैं मुझसे। जानती थी मैं एक ना एक दिन वे बात तुमसे जरूर करेंगे। अब सोचो मत ज्यादा, बस हाँ कर दो। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, उनकी किसी और से शादी होने वाली है और वो चाहते हैं मैं चुपचाप उनसे निकाह कर लूं। तो इसमें कोई गुनाह वाली बात तो नहीं है बेटा, और जब वो मुनासिब समझेगा तो बता देगा अपने खानदान वालों को। और जहां तक रही बात शादी की, तो जमींदार लोग तो दो तीन शादियां करते हैं, कम से कम तुम्हें तो सहारा मिलेगा, कोई तो होगा तुम्हें पूछने वाला, तुम्हारा हमदर्द। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती बेटा, बेवा औरत को हर कोई अपनी मिल्कियत समझता है। ये तो भला हो तबरेज साहब का जो तुम्हें इज्जत देना चाह रहे हैं, अपना नाम देना चाह रहे हैं। शायद तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा है, बस अब हाँ कर दो मेरी बच्ची। खुदा हाफिज़।